दोस्तों रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन पर जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों प्रश्न ये है, यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट जमानती वारंट जारी करती है तो ऐसे व्यक्ति को जमानती वारंट के साथ कैसे डील करना चाहिए। अब पहले ये जानना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को जमानती वारंट कोर्ट कब और क्यों जारी करती है। जब कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष कंप्लेंट करता है आकर के इस्तकाजे के रूप में या परिवाद के रूप में, तब ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट उसको सुनने के बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने शिकायत की है उसको समन से बुला सकती है, जमानती वारंट से बुला सकती है, अरेस्ट वारंट बाद में भेजेगी वो। तो यहाँ पर जब उसकी कंप्लेंट को सुनने के बाद लगता है कोर्ट को कि फला शख्स ने ये वाला कृत्य ये क्राइम किया होगा इस व्यक्ति के साथ, तो उसने एग्जाम्पल के तौर पर 420 की किसी के साथ, तो कोर्ट में उसने परिवाद पेश कर दिया कि मेरे साथ इस बंदे ने 420 की, तो यहाँ पर उसके जमानती वारंट जारी हो गए। ठीक, अब ये जमानती वारंट क्या चीज़ होती है। जमानती वारंट एक पेपर होता है जिसके अंदर कोर्ट का नाम लिखा होता है, कोर्ट के नाम के अलावा उसमें उस मुलजिम का नाम लिखा होगा जिसको जमानती वारंट जारी किया गया है, उसमें क्राइम कि उसने क्या क्राइम किया है, 420 IPC धोखाधड़ी, इसके अलावा कि उसको किस तारीख के अंदर कोर्ट के अंदर अपियर होना है, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है जमानती वारंट के अंदर। अब जो पुलिस वाला है वो जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बंदा है उसको पकड़ लेता है जाकर के, भाई ये तेरा जमानती वारंट है। अब इसी स्थिति के अंदर जहाँ आपको जाकर के वो मिल रहा है पुलिस वाला, जहाँ आपको जाकर के पकड़ रहा है, वो कह रहा है कि भाई इस पर साइन कर, आपने साइन कर दिए, आपको प्राप्त हो गया, तो वो कहेगा कि भाई जैसे आप मिले कि भाई आप अपने जानकार को किसी को बुला करके ये नीचे जो डिटेल्स है उसको फिल करवाएं, एक जमानती आपका चाहिए क्योंकि ये जमानती वारंट है, मैं आपको यहीं पर मौके पर छोड़ दूंगा, जमानती के मेरे को साइन करवा दो इसके ऊपर। उसके नाम पते के साथ उस फॉर्म को फिल किया जाता है, जो आपका फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो आपको जानता है वो हो सकता है, तो उस फॉर्म को जो जमानती वारंट है उसके ऊपर आपका नाम लिख देते हैं पूरा एड्रेस के साथ। उसके जस्ट नीचे होता है एक और ऑप्शन जिसमें वो जमानत देने वाले का नाम होता है, उसका पता होता है उसके साइन के साथ, तो ये जो होता है नोटिस ये चल जाता है कोर्ट के अंदर। अब इसमें आपको पता चल गया कि भाई इस डेट को आपको कोर्ट के अंदर बुलाया है, कोर्ट जाना पड़ेगा, जमानती वारंट के अंदर डेट लिखी हुई होती है। अगर आप उस डेट को कोर्ट नहीं जाते तब आपका क्या होता है, अरेस्ट वारंट जारी। अरेस्ट वारंट की बात बाद में करेंगे। अब ऐसे मामले के अंदर हमें क्या करना चाहिए जब हमें जमानती वारंट प्राप्त हो गया है। तो पहली स्थिति कि यदि अगर आपको जमानती वारंट प्राप्त हो गया, आपने जमानत करा ली जैसे मैंने बताया आपको उस तरह से, तो आपको तारीख पे जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, वकील करना पड़ेगा, केस फाइट करना पड़ेगा, ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार ये जो मेरे पे जो कंप्लेंट की गई है ये गलत है, ये झूठी है, मैंने तो इस तरह का कोई एक्ट किया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप 397 CRPC में रिविज़न कर सकते हैं उस आदेश के खिलाफ, उस कोग्निजेंस के खिलाफ जो कोर्ट ने लिया है, जो लोअर कोर्ट ने आपके विरुद्ध कोग्निजेंस लिया है 420 का, कि आपने इस फला शख्स के साथ 420 की इसका आरोप आपके ऊपर लगा है, कोर्ट के अंदर विचारण के लिए आए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, तो रिविज़न कर सकते हैं आप, जो पत्रावली है जो लोअर कोर्ट के अंदर जो जजमेंट हुआ है उसकी रिविज़न आप करेंगे जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष। वहाँ पर अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि आपने कोई 420 नहीं किए, तो वहीं पर मामला ख़त्म हो जाता है। अगर वहाँ पर आप साबित नहीं कर पाते तो फिर आपको वापस नीचे आएगा, वहाँ पे खारिज हो जाती है आपकी रिवीजन, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको जमानत कराना पड़ेगी लोअर कोर्ट के अंदर और केस को फेस करना पड़ेगा, ट्रायल चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 323 का मामला जिसमें उपाधि खरीद करना, 341 किसी को अवरुद्ध करना, रोकना उसको, 504 किसी के साथ गाली गलौज करना, 506 किसी को धमकी देना, 420 420 करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ऐसे मामलों के अंदर अगर आप रिवीजन करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये दो रास्ते आपके पास हैं, या तो केस फाइट या रिवीजन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आना है तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। आपके मन में कोई क्वेरी है, सवाल है, तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एवरी संडे को लाइव ज्वाइन करें FB पेज पर, आप मेरे से वहाँ पर बात कर सकते हैं, आपको लाइव सवाल के जवाब मिलेंगे और कुछ बुक्स लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।